बरेली के 300 बेड कोविड अस्पताल से रविवार को कुल 7 मरीजों को छुट्टी दी गई। संक्रमण की चपेट में आने के बाद 10 दिन तक इनका कोविड अस्पताल में इलाज किया गया और अब रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद इन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर वागीश वैश्य ने बताया कि इनमें से 5 मरीज आईसीयू में भर्ती थे जबकि 2 मरीज L1 में भर्ती थे। वहीं अस्पताल से छुट्टी पाकर मरीजों के चेहरे पर खुशी थी। वार्ड से बाहर आए मरीजों ने महिला सशक्तिकरण का संदेश भी दिया। आज हमारे आईसीयू से 5 पेशेंट जो हमारे आईसीयू में थे एडमिट थे, इनकी रिपोर्ट आज 10 दिन बाद RT-PCR की टेस्ट निगेटिव आई है। 5 पेशेंट और ऊपर से जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है जो इंटरमिटेंट ऑक्सीजन पर थे, 2 पेशेंट ऊपर से डिस्चार्ज किए हैं, कुल 7 पेशेंट आज डिस्चार्ज किए हैं और काफ़ी पेशेंट सेटिस्फाई हैं और उनके अटेंडेंट भी सेटिस्फाई हैं और आगे भी मैंने इन सबको भी ये बता दिया कभी भी इनको दिक्कत पड़े तो ये हमसे हमारे स्टाफ से कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें से जो नीचे जो 5 पेशेंट जो नीचे से डिस्चार्ज हुआ आईसीयू से, इनका जब ये शुरू में आए थे तो लगभग इनका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन था वो 85-90 के बीच में था और एक लेडी जो है राजेंद्र कौर, उनका तो जब ये मिशन में रहती थी जब ये आई थी उनका जब 79 था तो शुरू में हमारे पास थोड़ी सुविधाएँ के लिमिटेड थी, हमने सोचा थी, लेकिन जब हमने इनको ऑक्सीजन पर रखा, HFNC पर रखा तो इन्होंने 2 दिन के अंदर इनका कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आ गया और फिलहाल अब ये बिल्कुल ठीक है और इस बात की हमें भी खुशी होती है कि पेशेंट यहाँ से अगर ठीक हो जा रहा है तो हमारे स्टाफ और हमको भी काफ़ी खुशी होती है। डिस्चार्ज के बाद इनको क्या डाइट लेना है, क्या क्या दवाइयाँ हैं, क्या क्या इनको सावधानियाँ रखनी है अपने साथ और अपने परिवार में, इन सब हम उनको ब्रीफ करके बता करके इनको छुट्टी करते हैं और दवा इनको 5 डेज की 5 दिन की दवा इनको दे करके यहाँ से छुट्टी करते हैं।